दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री यानी कि पंजाब इंडस्ट्री वर्तमान समय में बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और वहीं अगर हम बात करें पंजाब के जाने माने सिंगर काका की, तो काका ने बड़े कम ही समय में लोगों के दिलों पर राज कर लिया है। पंजाब के सिंगर काका का कह लेण दे सॉन्ग को यूट्यूब और गूगल पर काफी ज्यादा पसंद किया गया और काका की जान पहचान भी इसी गाने से बनी है। काफी कम समय में ही काका को चाहने वालों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंजाबी सिंगर काका की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। इसलिए अगर आप काका के फैन हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पृथ्वी और आप देख रहे हो सेलिब्रिटी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों ज्यादातर लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार काका का असली नाम क्या है, तो आपको बता दें कि काका का असली नाम काका ही है। बात करें इनके निकनेम की तो इन्हें लोग काका और काका जी के नाम से जानते हैं। और काका जी प्रोफेशन से एक सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और सॉन्ग राइटर है। अब बात करते हैं काका जी की फिजिकल स्टेटस के बारे में। काका की हाइट है 5'9" और इनका वेट है 69 kg। दोस्तों अब बात करेंगे हम काका जी की पर्सनल लाइफ के बारे में। काका का जन्म 1996 में हुआ और साल 2020 में इनकी एज 24 ईयर्स की हो गई है। दोस्तों काका का जन्म 1996 में पंजाब के गांव चंदू माजरा में हुआ। अब बात करते हैं काका जी की एजुकेशन के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि कहलेण दे सॉन्ग वाले काका 5वीं क्लास तक ही पढ़े लिखे हैं और वो ड्राइविंग का काम करते हैं। ये खबर पिछले काफी समय से वायरल हो रही है और ये जानकारी उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से मिली है, जहां काका जी के किसी फैन ने काका को अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा तो रिप्लाई में उन्हें मिला कि काका 5वीं क्लास तक ही पढ़े हैं और वो ड्राइविंग का काम करते हैं। और इसके आगे रिप्लाई में लिखा था कि मैं उनका दोस्त हूँ और काका का इंस्टाग्राम चलाता हूँ। लेकिन आपको बता दें कि ये खबर फेक है। पंजाबी सिंगर काका ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई पूरी की हुई है और काका ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के स्कूल से पूरी की। पंजाबी सिंगर काका ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजपुरा कॉलेज से बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। तो दोस्तों बात करते हैं काका के करियर और उनके स्ट्रगल के बारे में। पंजाबी सिंगर काका को बचपन से ही गाने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था। काका अक्सर अपने स्कूल में होने वाले एनुअल फंक्शन में गाना गाया करते थे और डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्होंने काफी स्ट्रगल किया और काका ने पैसे कमाने के लिए काफी जॉब्स भी की है और उन सभी नौकरियों से मिलने वाले पैसों को उन्होंने जोड़ा ताकि वो अपने गाने को लॉन्च कर सके। और फिर आगे चलकर दोस्तों के साथ मिलकर काका ने अपना पहला सॉन्ग सुरमा रिलीज किया, लेकिन ये गाना नहीं चला। कहा जाता है कि काका का लिखने का स्टाइल काफी अलग है, जैसे कि इनका एक गाना है तेजी सीट जिसमें काका ने काफी अच्छी राइमिंग की है। उसके बाद साल 2020 में काका का कहलेण दे सॉन्ग आया, जिसे पंजाबी सिंगर काका रातों रात स्टार बन गए। कहलेण दे सॉन्ग की सक्सेस के बाद पंजाबी सिंगर काका को बहुत कंपनी ने ऑफर किया, लेकिन आपको बता दें कि काका ने सभी कंपनी के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सभी कंपनियों को रिप्लाई भी दिया था। दोस्तों अब बात करते हैं काका जी की फेवरेट थिंग्स के बारे में। काका के फेवरेट सिंगर है योयो हनी सिंह एंड बाबू मान। काका का फेवरेट फूड है पिज्जा और काका का फेवरेट विस्की ब्रांड है सिग्नेचर। बात करें फेवरेट कलर की तो इनका फेवरेट कलर है ब्लैक एंड येलो और फेवरेट स्पोर्ट्स है फुटबॉल। दोस्तों काका जी की हॉबीज है सिंगिंग, ट्रेवलिंग एंड बॉडी बिल्डिंग। आपको बता दें कि इनका एक पॉपुलर गाना है जो इन दिनों काफी ट्रेंड में चल रहा है और उसका नाम है कहलेण दे, जिसे अभी तक तकरीबन 45 मिलियन बार देखा जा चुका है और इस वीडियो पर 1.3 मिलियन लाइक्स आ चुके हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनका ये सॉन्ग कितना वायरल हो रहा है। और दूसरे वायरल गाने की बात करें तो वो है टेम्परेरी प्यार, जिसे अब तक 26 मिलियन बार देखा जा चुका है और इस वीडियो पर अब तक 1.3 मिलियन लाइक्स आ चुके हैं और ये गाना इंडिया में अभी भी ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों अगर काका के इनकम सोर्स की बात करें तो उसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने अपने 2 साल के करियर में 40 से 50 लाख की कमाई की है। अब बात करते हैं काका की फैमिली के बारे में। काका के माता पिता के अलावा परिवार में उनका एक भाई है जो विवाहित है और उसकी एक बेटी भी है। और काका के गांव से पता चला कि वो आज भी इतनी ज्यादा पॉपुलरिटी हासिल करने के बाद भी वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ इंसान है। दोस्तों काका जी मैरिटल स्टेटस से अनमेरिड है और अगर बात करें इनकी गर्लफ्रेंड की तो अभी फिलहाल ये सिंगल है। दोस्तों काका जी स्मोकिंग करते हैं और एल्कोहल का सेवन भी करते हैं और जैसा कि हमने बताया कि उनका फेवरेट विस्की ब्रांड है सिग्नेचर। दोस्तों अगर बात करें काका जी की कार कलेक्शन की तो फिलहाल काका जी के पास कोई भी कार नहीं है। और अगर बात करें काका जी के हाउस की तो आप कुछ तस्वीरों में काका जी के घर की झलक देख सकते हो।